रुद्रप्रयाग जिले के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मंगलवार को कई कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति समय से सुनिश्चित कराने के लिए निरीक्षण किया गया, जिससे आम लोगों को सरकारी कार्यालयों में अपने कार्यों को लेकर किसी तरह की कोई समस्या न हो, जिसमें खाद्य सुरक्षा, जिला सेवा योजना, ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान, सखी वन स्टाफ सेंटर, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र सहित जिला उपभोक्ता आयोग और जिला चिकित्सालय शामिल रहे। जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा कार्यालय में निरीक्षण के दौरान उपस्थित पंजिका का जायजा लिया और जिसमें अधिकारी मनोज कुमार सिंबाल कार्यालय में उपस्थित नहीं पाए गए, जिसके लिए उनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई और स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान में विद्युत व्यवस्था ठीक न होने पर जिलाधिकारी ने विद्युत व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। वहीं वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान बाढ़ और माप केंद्र बंद पाए गए, जिसके बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों से फोन पर एक कड़ी फटकार लगाई और संबंधित कर्मियों से स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। वहीं सखी वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण के दौरान पीड़ित महिलाओं के शिकायतों और काउंसलिंग की जानकारी ली गई, लेकिन सेंटर का कोई भी साइन बोर्ड न लगाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जल्द ही बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। गंगा ज्ञान उत्कृष्ट केंद्र का निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने परीक्षण ले रहे छात्र छात्राओं से संवाद करते हुए उनकी करियर काउंसलिंग की और छात्रों को उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत कर सफलता हासिल करने को कहा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। कि समय पर सभी अधिकारी ऑफिस में आए और न सिर्फ ऑफिस में है बल्कि जो फरियादी आ रहे हैं या दूसरे ग्रामीण क्षेत्र से लोग आ रहे हैं तो उनकी समस्याओं का निस्तारण करें। तो इसमें कई दिनों से हमको ऐसी सूचना भी प्राप्त हो रही थी कि कुछ ऐसे कार्यालय हैं जहां पर 10 बजे कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, अधिकारी नहीं आ रहे हैं, 10:30, 10:40 तक लोग आ रहे हैं, तो ये काफ़ी गंभीर विषय था। इस क्रम में हमने पहले भी लोगों को, अधिकारियों को चेतावनी दी थी और आज निरीक्षण में हमने देखा कि कुछ ऐसे कार्यालय हैं जहाँ पर समय पर ऑफिस में अधिकारी नहीं आ रहे हैं बिना किसी